बड़वानी, शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर लोगों को शुद्ध पानी और घर घर पानी पहुंचाने के लिए नल जल योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत हर घर को नल से जोड़ना है। लेकिन जिला कलेक्टर के आदेश पर SDM घनश्याम धनकर द्वारा की गई जांच में कार्यवाही में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिसमें क्रियान्वयन एजेंसी और मॉनिटरिंग एजेंसी की लापरवाही के प्रति सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़वानी अनुविभाग के पाटी और बड़वानी क्षेत्र के कई गाँवों में नल जल योजना के कार्य में जो पाइपलाइन बिछाई जानी थी उसे 90 सेंटीमीटर जमीन में डाला जाना था, लेकिन कई स्थानों पर इस मापदंड का पालन नहीं किया गया है और कहीं 50, कहीं 60, कहीं उससे भी कम सेंटीमीटर का पाइप लाइन को गाड़ दिया गया है। ऐसी स्थिति में लोगों द्वारा या जानवरों द्वारा पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और भविष्य में इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। SDM द्वारा योजना में अनियमितता के संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन जिला कलेक्टर को भेजा है। कलेक्टर महोदय के द्वारा नल जल योजना में किए जा रहे कार्यों को लेकर जांच किए जाने के निर्देश दिए थे। उन्हीं निर्देशों के तहत नल जल योजना का विभिन्न गांवों में जो कार्य हो रहा है उसकी जांच की गई। जांच में पाया गया कि कई स्थानों पर जो पाइपलाइन की गहराई निर्धारित 90 सेंटीमीटर होना चाहिए, उतनी गहराई पर पाइपलाइन को ना गाड़ कर कई जगह पर सरफेस पर ही गाड़ दिया गया है, या कई स्थानों पर 90 सेंटीमीटर से कम 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पाइपलाइन की गहराई रखी गई है, जिससे कि कभी भी पशुओं के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा उसको डैमेज किया जा सकता है व पाइपलाइन को तोड़ा फोड़ा जा सकता है। तो इसके संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा गया है। आगामी कार्रवाई कलेक्टर महोदय के द्वारा की जाएगी। सर, कौन कौन से गाँव में? इसमें बड़वानी और पाटी ब्लॉक के कई गाँवों में इसकी जांच की है। रेंडम इसकी जांच की गई है। इसमें सजवानी खम, तांगड़ा, वेरवाड़ा, ऐसे कई स्थानों पर इसकी जांच की है और कई स्थानों पर इसमें अनियमितताएं सामने आई है। सेंधवा, शिवराज के वादे के भरोसे 2 साल से भटकती महिला। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वपूर्ण संबल योजना, जिस योजना के तहत पंजीकृत व्यक्ति की मौत होने पर उसे 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। इस राशि के लिए सेंधवा निवासी सावित्री बाई पिछले 2 साल से अधिक समय से कार्यालय चक्कर लगा रही है। उसका कहना है उसके पति की 2 साल से अधिक समय पहले मौत हो चुकी है। सावित्री का दावा है कि संबल योजना में पंजीयन कराया था, लेकिन 2 साल से अधिक समय से नगर पालिका के चक्कर लगा रही है। उसके सामने कई आर्थिक समस्याएं हैं। बच्चा बीमार है, उसका इलाज कराना है, बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर है। ऐसी अवस्था में उसे रुपए की सख्त जरूरत है। जब हमने इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है इस योजना अंतर्गत 113 केस थे, 58 को राशि मिल चुकी है, 55 की राशि शेष है। सभी के प्रकरण बनाकर भेजे जा चुके हैं। शासन को पत्र लिखकर राशि की मांग की जा रही है। मेरी परेशानी, मेरा हस्बैंड शांत हो गया था, अभी तक मेरे पैसे वो 2 लाख का पंजीयन का करवाए सम्मूल योजना में, तो अभी तक कहीं नहीं हो रहा, तो मैं एक खाली दौड़ दौड़ के परेशान हो रहा। कितना समय हो गया आपके पति को शांत हुए? अभी थोड़े समय है, नहीं तो 3 साल हो जाएंगे। 3 साल हो गए। हाँ। तो यहाँ पे अधिकारी क्या बोलते? वो बोले खाता चेक कराते रहो, खाता चेक कराते रहे, वो बोले। और मैं उधर ATM ऑफिस में भी चल गई, तो वो मैडम भी बोले हो जाएगी, बोले अभी तक तो हो नहीं रहा। तो क्या तकलीफ आ रही है आपके सामने? अभी कुछ नहीं हो रहा, मैं खाने के लिए परेशान हो रही हूँ, और बच्चे भी तो मेरे एक ही है, छोटा, एक बीमार रहता है, एक छोटा है, तो वो भी परेशान है, कितना घर देखेगी, तो हमको संभालेगी। पूरे केस 113 थे, जिसमें से 58 केस को राशि वितरित हो चुकी है और 55 केस शेष है, जिसकी शासन की ओर से राशि आना बाकी है। क्या प्रकरण बना के भेज दिए गए हैं सर? प्रकरण बनाकर भेजे जा चुके हैं। जो बाकी लोग यहाँ पर प्रकरण में बचे हुए हैं और राशि के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तक उनका कोई निराकरण नहीं हो पाया, कारण? शासन को पत्र लिखकर राशि की मांग की जा रही है।